नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासे में। दोस्तों, आज की इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको कम से कम 40 प्लस का सही जवाब देना है। अगर आप इस टेस्ट में 40 प्लस का जवाब देते हो तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है। आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है और दोस्तों इस टेस्ट को पूरा देना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक HW के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। उसका राइट आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको जरूर कॉमेंट करके बताना। जो मैं आपको HW के लिए क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको खुशखबरी भी देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका आज के पूरे 50 प्रश्नों के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किस टाइम वेस्ट करते हुए पढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि शिवा थापा इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स। आपको बताना है कि शिवा थापा का संबंध निम्नलिखित में से कौन से खेल से होता है। ऑप्शन है आपका बॉक्सिंग, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी शूटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, शिवा थापा का जो संबंध होता है वो आपका बॉक्सिंग खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनोसेरस इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ पर है। आपको जल्दी से बताना है कि भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ पर है। ऑप्शन है आपका भरतपुर, ऑप्शन डी गिरवन, ऑप्शन सी काजीरंगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। काजीरंगा अभयारण्य जो होता है वो आपका एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और काजीरंगा अभयारण्य जो होता है आपका आसाम में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। आपको बताना है कि संवेग की धारणा किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन डी गैलीलियो, ऑप्शन सी माइकल फेराडे, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि संवेग की धारणा किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो देखता हूं सबसे पहले कि इनका राइट आंसर लाइव चैट में आता है। तो देखिएगा, संवेग की धारणा जो दिया गया था आपका न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत। आपको बताना है कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग 3 से 4 बार पूछा भी जा चुका है, तो जल्दी से बताइएगा मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिएगा, मेघदूत पुस्तक के लेखक जो होते हैं आपका कालिदास होते हैं। ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन को। पांच नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर पांच आपसे पूछा है कि इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको बताना है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको यह बताना है कि भारत जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। तो देखिए, यहां पर बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताया है, तो इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसकी दूरी की बात करें तो इसकी दूरी जो होता है आपका 4096 किलोमीटर होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन की ओर। छह नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यूरेनस इन आवर सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साइज। आपको बताने की आकार के संदर्भ में, यानी कि आकार के अनुसार आपको बताना है कि यूरेनस का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से बताइएगा आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौर मंडल में कौन से नंबर पर, यानी कि कौन से स्थान पर आता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी तीन बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन की ओर। सात नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर सात आपसे पूछा है कि हुम डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप। आपको यह बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। जल्दी से बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन चारों ऑप्शन में से किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी इंद्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर बी पशुपति जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज उपनिषद। आपको बताने कि उपनिषद क्या है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से उपनिषद क्या है। ऑप्शन है आपका महाकाव्य, ऑप्शन बी कथा संग्रह, ऑप्शन सी हिंदू दर्शन का स्रोत, या फिर ऑप्शन नंबर डी कानून की पुस्तक।
तो देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर बताया है। तो इसका राइट आंसर जो है फौजी भाई ऑप्शन नंबर सी हिंदू दर्शन का स्रोत बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हुज अदर रिवर नेम इन तिब्बत इज थांगो, आपको बताने कि तिब्बत में किस नदी का दूसरा नाम सांगपो है। ऑप्शन है आपका कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी गंगा। जल्दी से बताना है कि तिब्बत में कौन से नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वो आपका कोसी नदी को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिक्के नायडू कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, आपको बताना है कि सिक्के नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है टेनिस, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। जल्दी से बताना है कि सिक्के नायडू निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है। ऑप्शन 4 मैंने दिया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सिक्के नायडू कप का जो संबंध होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वट इज द लार्जेस्ट बोटेनिकल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड, आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोयंबटूर। जल्दी से बताना है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पर स्थित है। सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस टेस्ट को पूरा देना है। तो देखिएगा भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय जो स्थित होता है वो आपका कोलकाता में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है कोलकाता यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द हाईएस्ट ग्लेंट्री अवार्ड इन पीस टाइम, आपको बताना कि शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन है आपका वीर चक्र, ऑप्शन बी परम वीर चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी महावीर चक्र। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि शांति काल में सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार कौन सा है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी जो भी अशोक चक्र बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि वेट इज बैरन आइसलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, आपको बताना है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताना कि बैरन आइलैंड जो होता है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन है आपका अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोनिको है। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है अंडमान द्वीप समूह बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि बैरन आइलैंड जो होता है वो आपका अंडमान द्वीप समूह में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द लॉन्गेस्ट बीच लोकेटेड इन इंडिया, आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहां पर स्थित है। जल्दी से बताना है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहां पर स्थित है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी मरीना बीच बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा कार्यकाल कितने समय का होता है। जल्दी से बताना है कि जम्मू कश्मीर का राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन है 6 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है 6 वर्ष बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। जल्दी से बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी धर्मपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल, जो भी बताया धर्मपाल है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया गया था आपका धर्मपाल के द्वारा किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड, आपको बताना कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताना कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका ऊर्जा, ऑप्शन बी कार्य,
ऑप्शन सी शक्ति या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्य करने की दर को जो कहा जाता है वो आपका ऊर्जा कहा जाता है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु मेक्स द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, आपको बताना कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जल्दी से बताना कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन नंबर डी सांसद। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति, जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है द वर्ड एसमेसर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, आपको बताना है कि एसमेसर जो शब्द होता है और निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। जल्दी से बताना है कि एसमेसर शब्द का संबंध जो होता है और निम्नलिखित में से कौन से खेल के साथ है। ऑप्शन है आपका हॉकी, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी वॉलीबॉल या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। जल्दी से बताना कि एसमेसर शब्द कौन से खेल से जुड़ा है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी वॉलीबॉल यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ टोबैको, आपको बताना कि तंबाकू का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से बताना कि तंबाकू का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन आपका मॉर्फिन, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी स्प्रीन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा तंबाकू का मुख्य घटक या फिर मुख्य अवयव जो होता है वो आपका निकोटीन होता है। ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तब इसका राइट आंसर आपको लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है कि व्हाट मेक्स द वाइंड्स ब्लोइंग इन वन डायरेक्शन कंटिन्यूसली इन रॉकी डेजर्ट्स, आपको बताना है कि पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है। जल्दी से बताना कि जो पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलती है मतलब कि चलने वाली हवाएं जो होता है वो आपका क्या बनाता है। ऑप्शन चार आपके सामने, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को समझिएगा और चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखना यहाँ पर 100 में से मान के चलो 30% बंदे कहीं इसको ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को ध्यान से समझना और इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त यारदांग, जो भी ऑप्शन सी यारदांग बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीन पर भी शो भी कर रहा होगा, यहाँ पर पिक्चर शो कर रहा होगा यारदांग का, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से नोट आउट भी कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इंडिया इज बिल्डिंग चाबहार पोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, आपको बताना है कि भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। ऑप्शन है आपका इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी ओमान या फिर ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। जल्दी से बताना है कि भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह जो होते हैं आपका बना रहा है। ऑप्शन चार मैंने आपके सामने दिया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, जो भी ईरान बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो, आपको बताना है कि मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। एक बार क्वेश्चन को और ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखना है, पर बहुत सारे बंदे कंफ्यूजन में होंगे और यहां पर बहुत सारे बंदों को डाउट होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी ग्रेट गैलरी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ग्रेट गैलरी का मतलब हो गया आपका अन्नों का घर, यानी कि अन्नान घर जो होता है आपका। मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत जो होता है आपका अन्नान घर होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, आपको बताना है कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। जल्दी से बताना है कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, इनने यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम आसानी तरीकों से चाकू से काट सकते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप सभी फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, आपके लिए इतना मेहनत करता हूं और मुझे सर्दी है फिर भी आपके लिए एक लाइव क्लास लेकर आया हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितने बंदे भी लाइव हो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इस वीडियो पर अगर आप लोग 1000 लाइक करते हो तो मान के चलो आपका हमेशा 50 क्वेश्चन का जीके जिसका टेस्ट चलेगा, जितने भी ओरिजिनल पेपर है मैं आप सभी को करवा दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है और अपने कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट है, फिर हमें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप है
आप उस सभी में इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो जल्दी से बताना कि भारत की नागरिकता जो होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी विदेश मंत्रालय द्वारा। तो देखेगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति जो भी बताए उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को, 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है कि वेट डिड द नेशनल कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी अप्रूव द क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको बताना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन कहां पर किया था। ऑप्शन आपका औरधा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी का एक डाउट मैं क्लियर कर दूं, अगर आपका 15 जीके का आता है तो मान के चलना आपका 10 क्वेश्चन होगा बिल्कुल नॉर्मल लेवल का होगा, और बाकी 5 क्वेश्चन जो होगा आपका थोड़ा सा हार्ड या फिर मीडियम लेवल का आएगा, तो आपका ज़्यादा टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। अगर आपका 5 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का आता है तो बिल्कुल आपका इस लेवल का आने वाला है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप भी चाहते हो हर शाम 9 बजे हमसे लाइव जुड़ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आता है उसे ऑल पे जरूर प्रेस कर लो, ताकि कोई भी वीडियो का अपडेट मिस ना हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो फौजी भाई ऑप्शन नंबर सी मुंबई बताए उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड। आपको यह बताना है कि रुधिर में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित पिगमेंट क्या कहलाते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा कि देखो लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित पिगमेंट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी जो भी हीमोग्लोबिन बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भखरा नांगल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। आपको बताना है कि भखरा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर बना है। ऑप्शन आपका गंगा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी कावेरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। जल्दी से बताना है कि भाखरा नांगल परियोजना कौन से नदी पर स्थित है। तो देखिएगा भाखरा नांगल परियोजना जो होता है वो आपका सतलज नदी पर स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सतलज, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र में कितने उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जल्दी से बताना है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र को बनाने में कितने उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी 2 बता है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन में भी बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज होंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आप उसे अच्छी तरीके से नोट डाउन भी कर लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साउंड। आपको बताना है कि निम्न में से ध्वनि का प्रकार क्या है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी पदार्थ, ऑप्शन सी विकिरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी आवेग। तो देखिएगा ध्वनि का जो प्रकार होता है वो आपका एक प्रकार का ऊर्जा होता है। ऑप्शन ने जो ऊर्जा बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एटीएम वाज ओपेंड। आपको बताना है कि किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था। ऑप्शन है आपका चेन्नई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। जल्दी से बताना कि कौन से शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है जो भी चेन्नई लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। जल्दी से बताना कि वो प्रथम भारतीय का नाम बताना है जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, या फिर ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है आपका दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा है कि फ्रॉम वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल। आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां पर बदली थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन
आपसे पूछा है और चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है यार एक एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि एक लाइक कर देना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास है। इस वीडियो को भी शेयर करो ताकि हमें भी कोई सपोर्ट मिल सके। अगर आप भी चाहते हो ना मेरे दोस्त कि हम भी आपके साथ लाइव जुड़े, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आप हमारे साथ लाइव जुड़ पाओगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आता है, उसे ऑल पे जरूर दबाना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से देवगिरी जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हिच इज द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। आपको बताने की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका इम्फाल है, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी कोहिमा या फिर ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आपको HW करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना है, मैं देखना चाहता हूं कितने बंदे को ये आंसर पता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन शायद पहले करवाया है, तो आप इसका जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पृथ्वी के मध्य परत को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताने की व्हाट इज द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड। ऑप्शन है आपका कोर है, ऑप्शन बी प्रवार है, ऑप्शन सी भूपटरी या फिर ऑप्शन नंबर डी मेंटल है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी मेंटल बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी मेंटल यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एयर इज फाउंड ऑन विच सर्फेस ऑफ द एटमोस्फेयर। आपको बताना है कि हवा जो होता है वो आपका वायुमंडल की किस सतह पर पाया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना कि हवा वायुमंडल की कौन से सतह पर पाया जाता है। ऑप्शन है आपका समताप मंडल है, ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक मंडल है, ऑप्शन सी सोम मंडल है या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है समताप मंडल बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 37 नंबर क्वेश्चन लाजवाब एनर्जीदार शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है कि विच ऑफ दिस विटामिन इज फैट सोल्यूबल। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विटामिन है जो आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताने कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। मैं आपको पर बता देता हूं, आप अच्छी तरीके से नोट करना। केडा जो होता है ना कि विटामिन के, ई, डी और ए जो होता है वो आपका वसा में घुलनशील होता है, बाकी जो होता है वो आपका जल में घुलनशील होता है। इसे आपको ध्यान में रखना। देखो के, ई, डी, ए जो होता है आपका वसा में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए कौन से ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 38 नंबर क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड इन महाराष्ट्र। आपको बताने के महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। ऑप्शन आपका तारापुर है, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन नंबर डी नागपुर। तो देखिएगा महाराष्ट्र के कौन से स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तारापुर में जो है आपका महाराष्ट्र में तारापुर में परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थित है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन आपके TDN लेवल में आ सकता है, यानी कि TDN एथ पास में आ सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को आपको VVI मान के चलना है। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है। आपको बताने कि आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए इन चारों ऑप्शन में से क्या अनिवार्य है। ऑप्शन आपका हरे पौधे, ऑप्शन बी फंगाई, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन नंबर डी जंतु। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हरे पौधे। जो भी लाइव चैट में ऑप्शन नहीं बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन। आपको बताना है कि एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है। जल्दी से बताना है कि एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। पर मैंने आपको फिगर के थ्रू आंसर भी बताया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर बी 120/80 mm बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो गया। देखो ऊपर वाले यानी कि 120 को क्या बोला जाता है, तो 120 वाले को क्या बोला जाता है, सिस्टोलिक बोला जाता है, और 80 वालों को क्या बोला जाता है, डायस्टोलिक बोला जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। कुंचन और अनुशीलन हिंदी में बोला जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से घुमाकर ही पूछ लिया जाता है। आपको पहले डायस्टोलिक दे देगा और फिर बाद में आपको सिस्टोलिक दे देगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन और 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच गैस इज प्रेजेंट इन डंग गैस। आपको बताना कि गोबर गैस में कौन सी गैस उपस्थित होती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन या फिर ऑप्शन नंबर डी मीथेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा गोबर गैस में जो होता है वो आपका मीथेन गैस उपस्थित होता है। ऑप्शन डी मीथेन यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन और 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इज मोर रिएक्टिव। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोडियम या फिर ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सोडियम, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आने का मान के चलना 80% चांस बन जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द अशोक पिल्लर लोकेटेड। आपको बताने की अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपका सारनाथ है, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पटना या फिर ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार। जल्दी से बताना है कि अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा अशोक स्तंभ जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है। जल्दी से बताना कि मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है। मैं इसका इंग्लिश टाइप करना भूल गया लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, अगर मेरा मेहनत आपको लग रहा है कि मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो यार आप सभी से रिक्वेस्ट है 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके, हमें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो जाकर के जल्दी से इस वीडियो को 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करो। अगर आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप है या फिर व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हर आर्मी वाले बंदे के पास ये वीडियो पहुंच देना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के शेयर करो, अगर आप शेयर करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एनिमल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एनिमल जो होता है आपका दांत का एक हिस्सा होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। दांत का ऊपरी हिस्सा को शायद हम लोग एनिमल बोलते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि चाणक्य जो था वो किस शासक का सलाहकार था। ऑप्शन 4 आपके सामने, जल्दी से बताना कि चाणक्य वाज द एडवाइजर ऑफ विच रूलर। ऑप्शन 4 आपके सामने है, ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सम्राट अशोक है, ऑप्शन सी बिंदुसार या फिर ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द मार्लो मिंटो रिफॉर्म पास्ट। आपको बताना है कि मार्लो मिंटो सुधार कब पारित हुआ था। जल्दी से बताना है कि मार्लो मिंटो सुधार जो था वो कौन से साल में पारित हुआ था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1909, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया कि प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड इन। आपको बताना है कि दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि दूध की शुद्धता कौन सी यंत्र से मापी जाती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और वायु दाब जो होता है वो आपका बैरोमीटर से नापा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 48 नंबर क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा है कि एलोरा अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है। जल्दी से बताना है कि वेयर आर द केव्स ऑफ एलोरा एंड अजंता। ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी गुजरात है या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 49 नंबर क्वेश्चन आपके 2017 के पेपर में पूछा गया था। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड। आपको बताना है कि मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताना कि मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है डायलिसिस, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है द गेम जल्लीकट्टू इज प्रेवलेंट इन विच स्टेट। आपको बताना है कि जल्लीकट्टू खेल जो होता है वो किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार है, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो देखिएगा जल्लीकट्टू खेल जो होता है वो आपका तमिलनाडु राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जिस का शानदार सा टेस्ट क्लियर कर लिया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जिस के शानदार टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका इस टेस्ट में मान के चलो 35+ भी होता है तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है। आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना, आप जरूर फौजी बनोगे। और मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन हमारा होमवर्क लिया है, तो इसका राइट आंसर आपको HW करके जरूर कमेंट करके बताना है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा HW है।
क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर आपको HW करके कॉमेंट बॉक्स में बताना, और साथ साथ जय हिंद जय भारत भी कॉमेंट करके लिखना है। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखना, और जरूर कॉमेंट करके बताने कि आपका 50 इंपॉर्टेंट जीके और जिसका टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और हर शाम 9 बजे हमारा आर्मी का लाइव क्लास होता है, तो हर शाम 9 बजे हमारे इस चैनल पर जरूर जुड़िएगा, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो दोस्तों आज इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।